सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकवुड। तो मैं दीवान अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो है टेकवुड टेक न्यूज नंबर 67। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे टिक कर लीजिए, जिससे रोज रात को 8 बजे में टेक न्यूज आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहली खबर है सैमसंग की ओर से। तो बताया जा रहा है कि सैमसंग का M62, ये बताया जा रहा है कि एम सीरीज का अगला हाई एंड स्मार्टफोन होने वाला है। और जो इसके स्पेक्स लीक हुए हैं वो उससे पता चलता है कि इसमें 256 GB स्टोरेज वेरिएंट होने वाला है और इसका मॉडल नंबर भी आ गया है जो कि है SM-M625F। ये इसका मॉडल नंबर आया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगली खबर है Xiaomi की ओर से। तो Xiaomi का जैसे कि Redmi के Note 9 सीरीज के तीन नए स्मार्टफोन आने को हैं, काफ़ी जल्दी ही बताया जा रहा है। तो उसमें मैं के दो स्मार्टफोन्स के स्पेक्स जो हैं और नेम आ गए हैं, जो कि है एक Redmi का Note 9 हाई एडिशन जो आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन के 750G प्रोसेसर के ऊपर। तो और इसी के साथ साथ दूसरा है Redmi का Note 9 स्टैंडर्ड एडिशन और ये आपको देखने को मिलेगा डायमंड सिटी के 800U प्रोसेसर के ऊपर। और तीसरे के बारे में अभी नहीं पता चला हुआ है, बट बताया जा रहा है कि तीसरा भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है और इसी में से दोनों स्मार्टफोन आपको 120 जो रिफ्रेश रेट है उसके साथ आपको देखने को मिलता है। अगली खबर है सैमसंग की ही ओर से। तो सैमसंग का गैलेक्सी M21S ये ब्राज़ील में लॉन्च हो गया है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ और साथ साथ में इसमें दिया हुआ है 64 MP का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप और इसमें सिंगल ही वेरिएंट आपको दिया जाता है जो कि है 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट, जिसको इन्होंने लॉन्च किया हुआ है ब्राज़ील करेंसी में 1529 BRL में। और जिसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो 20,500 यानी 20,500 में इसको लॉन्च किया हुआ है। अगली खबर है लेनोवो की ओर से। तो लेनोवो ने अपना नोट सीरीज का K Note सीरीज का एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि है लेनोवो के 12 Note और जो आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन के 662 प्रोसेसर के ऊपर और इसमें दिया हुआ है 48 MP का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप। ये सऊदी अरब में लॉन्च हो गया है और जिसकी प्राइस आई हुई है जो वहाँ की करेंसी है SAR उसमें आई हुई है 599 SAR और जिसको कन्वर्ट करते हैं तो इंडियन रुपीज़ में 11,900 रुपीज़ आई हुई है, जो इसका 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट है उसकी। अगली खबर है सैमसंग की ओर से। तो सैमसंग का गैलेक्सी M31 इसमें जो सैमसंग का UI है One UI उसका 2.5 अपडेट आया हुआ है और इसी के साथ साथ इसमें आपको अक्टूबर 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी आया हुआ है। तो जाइए अगर आप लोगों ने सैमसंग का गैलेक्सी M31 रखा हुआ है तो जाइए अपडेट कर लीजिए। तो अगली खबर है मोटो की ओर से। तो मोटो ने अपना Moto G 5G स्मार्टफोन ये लॉन्च कर दिया है जो यूरोप में लॉन्च हुआ है और ये आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन के 750G प्रोसेसर के ऊपर और साथ साथ में इसमें आपको देखने को मिलता है 5000 mAh की बड़ी बैटरी और ये लॉन्च हुआ है 48 MP के ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप के साथ यूरोप में, जो इसकी प्राइस आई हुई है 299.99 यूरो आई हुई है, जिसको कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 26,200 इसकी प्राइस आई हुई है। अगली खबर है LG की ओर से। तो LG का नया और यूनिक स्मार्टफोन इसका LG रोलेबल नाम से ट्रेडमार्क फाइल हो गया है, तो आप लोगों को काफ़ी जल्दी ये देखने को मिल जाएगा जो कि है LG का रोलेबल फोल्डेबल स्मार्टफोन। तो बताइएगा कमेंट करके कि क्या आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। तो अगली खबर है WhatsApp की ओर से। तो WhatsApp पे को हरी झंडी मिल गई है यानी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो ये काफ़ी जल्दी प्ले स्टोर के ऊपर आने वाला है और इसी के साथ साथ जो गूगल का पे है और जो पेटीएम है या फोन पे है इन सब के कंपटीटर में व्हाट्सएप पे खड़ा होने वाला है। तो अगली खबर है मोटोरोला की ओर से। तो मोटोरोला ने इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं अपने 3 नए वायरलेस ईयरफोन्स जो कि हैं Motorola Verb Buds 100 और इसको लॉन्च किया हुआ है 2699 रुपीज में और इसी के साथ साथ लॉन्च किया हुआ है Motorola Verb Rap 105 इसको लॉन्च किया हुआ है 1699 रुपीज में और इसी के साथ साथ एक है Motorola Verb Loop 105 तो इसको लॉन्च किया हुआ है 1299
रुपीज में। तो अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अवेलेबल है और जाके आप लोग दे सकते हैं। अगली खबर है मोटरोला की ओर से। तो मोटरोला ने अपना G9 पावर ये लॉन्च कर दिया है यूरोप में और ये आपको देखने में मिलता है स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर के साथ और इसमें दिया हुआ है 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 64 मेगापिक्सल +2+2 का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो इसकी प्राइस आई हुई है वो आई हुई है 199 यूरो, जिसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 17,400 रुपीज आई हुई है। जो इसका 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट है वो, तो प्राइस तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी आई हुई है और अब देखते हैं। तो अगली खबर है हुआवे की ओर से। तो हुआवे का नोवा 8SE और इसी के साथ साथ लॉन्च हुआ है हुआवे का नोवा 8SE हाई एडिशन। तो ये लॉन्च हो गया है चाइना में और जो आपको देखने को मिलता है, जो हुआवे का नोवा 8SE है वो आपको देखने को मिलता है डायमेंसिटी के 720 प्रोसेसर के साथ और इसकी प्राइस आई हुई है 2599 चीनी युआन, जिसको कन्वर्ट करते हैं तो 29,100 प्राइस इसकी आई हुई है इंडियन रुपीज के हिसाब से। और जो इसका हुआवे नोट नोवा 8SE हाई एडिशन है उसकी, वो आपको देखने को मिलता है डायमेंसिटी के 800U प्रोसेसर के साथ, जिसकी प्राइस आई हुई है 2699 चीनी युआन, जिसको कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 30,100 रुपीस इसकी प्राइस आई हुई है। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, टेक न्यूज में बस इतना ही। अगर आप लोगों को टेक न्यूज पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दिया, साथ साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कर दिए मैं वीडियो को जितना आपसे हो पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।